Hello student, today we will discuss monopulse tracking radar and we will start from disadvantage of the conical scan and sequential lobing tracking radar. And this disadvantage is as the motion of antenna is more complex in lobe switching and conical scan, and the conical scan a minimum number of pulses is 4. So the difficulty here is that if the target cross section, the tracking accuracy may be degraded and the effect of fluctuating echo can be sufficiently serious in some application. So these are the disadvantages of conical scan and sequential lobing tracking radars. So how to overcome this disadvantage? And this disadvantage can overcome by monopulse tracking radar. So here pulse to pulse amplitude fluctuation of echo signal have no effect on tracking accuracy. लोगों ने इसके पहले जो conical scan या sequential lobing में देखा था कि वहाँ पर pulse amplitude effect डालता था. Pulse amplitude effect डालने से problem क्या आ रही थी कि जो angle है वो ठीक से measure नहीं हो पा रही. अगर किसी वजह से अगर आपका echo different या target cross section की वजह से echo आपका चेंज हो गया तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी कि आपको डायरेक्शन ठीक से नहीं मिल पाएगा. तो एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशन का डिपेंडेंस हटाना है तो एक मोनोपल्स ट्रैकिंग रडार यूज करना है. तो मोनोपल्स ट्रैकिंग रडार यूज करने के लिए हमारे पास दो बेसिक मेथड्स हैं. एक तो एम्पलीट्यूड कंपेरिजन मोनोपल्स, एक फेज कंपेरिजन है, दूसरा एम्पलीट्यूड कंपेरिजन. तो एम्पलीट्यूड कंपेरिजन मोनोपल्स में हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम अभी डिस्कस करते हैं. उसमें हम लोग एक मैजिक टी यूज करते हैं, मतलब चार अलग अलग हॉर्न एंटीना टी के फॉर्म में यूज करेंगे. ए पोर्शन होगा उसमें, बी पोर्शन, सी पोर्शन और डी पोर्शन, और वहां से एक ही पल्स, सिंगल पल्स अलग अलग एंटीना से जनरेट करेंगे. तो जनरेट करने के बाद हमें अलग अलग दो पल्सेस मिल पाएंगे. दो पल्सेस हम लोग एक साथ जनरेट करेंगे अलग अलग एंटीना से तो होगा क्या कि एक तो या तो हमें एडिशन मिलेगा या सब्ट्रैक्टेड फॉर्म में मिलेगा. जो भी इको सिग्नल मिलेगी वो इन दोनों फॉर्म में मिलेगी. यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते थे, एंटीना को इसके पहले कोनिकल स्कैनिंग में या सिक्वेंशियल लोबिंग में एंटीना को ही मूव कराते थे. यहाँ एंटीना हम लोग मूव नहीं करा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन या डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट के तीन चार एंटीना एक साथ ले ले रहे हैं, वो भी हॉर्न एंटीना ले. तो हॉर्न एंटीना ले रहे हैं तो क्या हो रहा है कि एक साथ एक पल्स ट्रांसमिट हो रही है ए पोर्शन से बी पोर्शन से, और उनको उनके जो इको सिग्नल है वो सी पोर्शन और डी पोर्शन पे हमें मिलते हैं. और यहाँ ब्लॉक डायग्राम अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो ट्रांसमीटर पोर्शन है जहाँ से हम लोग इको सिग्नल जनरेट करेंगे, यहाँ पर देखिए समेशन और डिफरेंस जनरेट हो रहा है. जो समेशन वाला पोर्शन है वो आपका यहाँ पे इको सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट होगा, और जो डिफरेंस का पोर्शन है वो इस मिक्सर में जाएगा. और ये मिक्सर एक लोकल ऑसिलेटर से कनेक्ट है. लोकल ऑसिलेटर यहाँ पर डिफरेंस जनरेट करेगा जिससे कि एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क ना पड़े. अब जो ये सम और डिफरेंस मिलता है वो IF एम्पलीफायर या हेट्रोडाइनिंग फिनोमेना यहाँ पर हो रही है. एक हेट्रोडाइन टाइप का रिसीवर है जहाँ पर एक एम्पलीट्यूड डिटेक्टर है, दूसरा फेज सेंसिटिव डिटेक्टर. तो इस एम्पलीट्यूड डिटेक्टर से हमें रेंज मिल जाएगा और फेज सेंसिटिव डिटेक्टर से हमें एंगल मिल जाएगा. तो यहाँ पर केवल एक सिंगल पल्स जनरेट करके हम लोग एंगल और रेंज दोनों ही कैलकुलेट कर पा रहे हैं. तो फेज सेंसिटिव डिटेक्टर से हम लोग फेज डिफरेंस जनरेट करेंगे, फेज डिफरेंस से हमें उसका डायरेक्शन पता चलेगा, क्योंकि हमें उसमें भी जो कॉनिकल स्केलिंग या सिक्वेंशियल लोबिंग लेते हैं वहाँ पर भी इरर ही जनरेट करते हैं. तो यहाँ जो इरर है वो एंटीना डिफरेंट डिफरेंट एंटीना के थ्रू मिल रहा है. तो सपोज करिए कि ये पल्स जनरेट करते हैं तो ये आपको एडिशन मिल रहा है, ये सब्ट्रैक्शन फॉर्म में मिल रहा है. और इन दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ जो एडिशन फॉर्म मिल रहा है उससे हम लोग एम्पलीट्यूड या रेंज मेजर कर सकते हैं, और जो भी डिफरेंस के फॉर्म में मिल रहा है वो डिफरेंस के थ्रू हम लोग ये इसको फेज सेंसिटिव डिटेक्टर के थ्रू कनेक्ट करके रखा हुआ है. तो यहाँ से हम लोग एंगल एरर
मेजर कर लेते हैं। तो ये पोर्शन या इसकी कुछ थ्योरी यहाँ लिखी है कि ब्लॉक डायग्राम है जिसमें टू एडजेसेंट एंटीना फील्ड्स आर कनेक्टेड इन टू आर्म्स ऑफ हाइब्रिड जंक्शन सरसाइज मैजिक टी या रैट रेस एंड द सम एंड डिफरेंस सिग्नल अपीयर्स एट द हेटरोडाइन टू एन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीफाइड एज इन एनी सुपर हेटरोडाइन रिसीवर। The transmitter is connected to some arm. Range information is also extracted from the sum channel. ध्यान रखिएगा, एडिशन या सम चैनल के थ्रू आपको रेंज की इंफॉर्मेशन मिलेगी। डुप्लेक्सर इज इंक्लूडेड इन द सम आर्म फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रिसीवर एंड द आउटपुट ऑफ फेज सेंसिटिव डिटेक्टर इज एन एरर सिग्नल हुज मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर एरर एंड हुज साइन प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन। यहाँ पर फेज के थ्रू हम लोग डायरेक्शन मिल रहा है, वहाँ पर जब कॉनिकल स्कैनिंग या सिक्वेंशियल लोबिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड के थ्रू हम लोग को डायरेक्शन मिलते थे। तो इस तरीके से हम लोग के एम्पलीट्यूड या रेंज और उसके साथ साथ डायरेक्शन मेजर कर लेते। तो यहाँ पर इसके ब्लॉक डायग्राम को देखना चाहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर टू द पॉइंट लिखा हुआ है, ऑल फोर फीड्स जनरेटेड द सम पैटर्न। डिफरेंस पैटर्न इन वन प्लेन इज फॉर्म बाई टेकिंग सम ऑफ टू एडजेसेंट फीड्स एंड सब्ट्रैक्टिंग दिस फॉर्म सम ऑफ द अदर टू एडजेसेंट फीड्स। ए टोटल ऑफ फोर हाइब्रिड जंक्शंस जनरेट द सम चैनल एज्यूमेड डिफरेंस चैनल एंड एलिवेशन डिफरेंस चैनल। थ्री सेपरेट मिक्सर्स टू फेज सेंसिटिव डिटेक्टर एंड रेंज इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आउटपुट ऑफ सम चैनल आफ्टर एम्पलीट्यूड डिटेक्शन। तो ये पोर्शन हमें मिल जाता है। फेज कंपैरिजन मेथड देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए चार अलग अलग डिफरेंस के एंटीना लगाए हैं, ए पोर्शन, बी पोर्शन, सी पोर्शन, डी पोर्शन, और इसमें एक तो आपका सब्ट्रैक्शन भी जा रहा है उसके साथ साथ एडिशन भी जा रहा है, और इसको हम लोगों ने चार अलग अलग मिक्सर से कनेक्ट करके रखा हुआ है, एक एलिवेशन के लिए, दूसरा एजीमुथल के लिए और तीसरा सम चैनल। तो एलिवेशन देखिए, तो एलिवेशन में देखिए इसमें अगर हम लोगों ने चार अलग अलग पोर्शन बना के रखे हैं ए बी सी डी, तो अगर इन चारों का एडिशन आपका यहाँ जा रहा है और उसके साथ एलिवेशन डिफरेंस के लिए ए प्लस सी माइनस ई प्लस ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी करके हम लोग एलिवेशन कैलकुलेट कर लेते हैं और ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी करके हम लोग एजीमुथल कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसको हम लोगों ने मेज मिक्सर पे कनेक्ट करके एम्पलीफाई करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर फेज सेंसिटिव डिटेक्टर एलिवेशन के लिए और एजीमुथल के लिए अलग अलग लगा रखे हैं, तो यहाँ से हमें एलिवेशन एंगल एरर और एजीमुथल एंगल एरर मिल जाता है। तो ये दो बेसिक टेक्निक्स हैं। ये टू कोऑर्डिनेट मेथड है जहाँ पर एलिवेशन और एजीमुथल दोनों अलग अलग हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसके पहले जो ब्लॉक डायग्राम था वो सिंगल कोऑर्डिनेट मेथड था जिसके थ्रू हम लोग एलिवेशन और एजीमुथल एंगल कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं, इनके ब्लॉक डायग्राम ठीक से समझ लीजिएगा, और दोनों में ही ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद दूसरा मेथड है वो फेज कंपैरिजन मोनोपल्स टेक्निक है। फेज कंपैरिजन मोनोपल्स टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंगल पल्स, ये देखिए दो अलग अलग एंटीना, एंटीना नंबर वन एंटीना नंबर टू के थ्रू सिंगल पल्स ट्रांसमिट करते हैं टारगेट पे, और जो भी टारगेट रिसीव होगा, अगर सपोज करिए सेंटर पे टारगेट रिसीव होता है तो इसका मतलब सही डायरेक्शन है, तो वहाँ से हम लोग एंगल मेजर कर लेंगे। अगर डायरेक्शन थोड़ा सा इधर उधर है तो हम लोग फार्मूले का यूज करते हैं, है ना। फार्मूला आपको ये दिया है तो फार्मूला देख करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर टू एंटीनाज आर शोन इन सेपरेट डिस्टेंस डी और डिस्टेंस टू द टारगेट इज आर एंड इज एज्यूम दैट लार्ज कंपेयर टू एंटीना सेपरेटेड डी। तो यहाँ से देखिए आर वन की वैल्यू और आर टू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और आर वन आर टू की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा फाइव भी मिल जाता है। तो डेल्टा फाइव क्या हो गया आपका डायरेक्शन, और यहाँ से हम लोग डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस डेल्टा फाइव से डायरेक्शन मिल गया और आर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इस पार्टिकुलर मेथड जो फेज कंपैरिजन मेथड यूज करते हैं उसके थ्रू हम लोगों को डायरेक्शन और उसके साथ साथ रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए आप इस नोट्स का यूज करें
और नोट्स सफिशियंट है, अगर जरूरत लगे तो आपको स्कॉलनिक की बुक भी रिफर कर लेंगे। वैसे नोट्स भी स्कॉलनिक की बुक से ही बनाया गया है, तो देखिए ये सब नोट्स में दिया है। ये ब्लॉक डायग्राम पहला, जो कि वन एंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड से हम लोग एंगल या डायरेक्शन मेजर करते हैं, उसके अलावा ये दूसरा टू कोऑर्डिनेट मेथड से डायरेक्शन मेजर करते हैं। तो ये दो बेसिक टेक्निक है। उसके लिए ये जो मैजिक टी यूज करते हैं, एलिवेशन डिफरेंस, यहाँ देखिए प्लस माइनस है ना, ये चार अलग अलग एंटीना यूज करते हैं। तो अगर इनका समेशन कर लेते हैं तो रेंज कैलकुलेट हो जाएगा, इनको सबट्रैक्ट कर लेते हैं इस तरीके से तो एजुमेथ कैलकुलेट हो जाएगा, और इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे तो एलिवेशन मेजर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एलिवेशन, एजुमेथ और रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद इन्होंने फेज कंपेरिजन मेथड भी दिया है, जैसे अभी हम लोगों ने बात की आर वन और आर टू फार्मूले से कैलकुलेट करके डेल्टा फाई निकाल लेंगे, फेज डिफरेंस से कैलकुलेट हो जाएगा, इन दोनों से एंगल भी मिल जाएगा। तो ये दोनों मोनोपल्स टेक्निक और कॉनिकल स्कैनिंग, इसके साथ साथ साइड लोबिंग या लिंक लोब स्विचिंग मेथड, इन तीनों मेथड ही इम्पोर्टेंट है। और इन तीनों मेथड से आप तीनों मेथड ही आपके सिलेबस में है, और इन तीनों के बीच में कंपैरिजन स्टडी करके और ये यूनिट हम लोग यहाँ से कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी दिए हैं इसी नोट्स में, नोट्स आपको दी है। तो वहाँ पर देखिए एम्पलीट्यूड कंपैरिजन मोनोपल्स और मोर लाइकली प्रीफर टू फेस कंपैरिजन मोनोपल्स एंड कॉनिकल स्कैन है ना, वहाँ पर फोर पल्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर सिंगल पल्स की रिक्वायरमेंट है ना। वहाँ पर डायरेक्शन फिर भी जो भी डिसएडवांटेज के बारे में बात की है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं है ना, कि मोशन ऑफ एंटीना मोर कॉम्प्लेक्स है और उसके साथ साथ फोर पल्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर टारगेट क्रॉस सेक्शन रिफर कर जाएगा। अगर टारगेट क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा है तो फिर हम डायरेक्शन कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं है ना। एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशन, उसको कैसे मिनिमाइज करना है, टू एंगल कोऑर्डिनेट क्या है, उसको आप ब्लॉक डायग्राम डिस्कस कर सकते हैं, कॉनिकल स्कैनिंग का ब्लॉक डायग्राम है ना, और उसके साथ साथ लोब स्विचिंग का ब्लॉक डायग्राम है ना। ड्रा एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू ट्रैकिंग इन रेंज, इको पल्स, अर्ली लेट, टिपिकल डिफरेंस सिग्नल बिटवीन अर्ली एंड लेट रेंज गेट्स, लिमिटेशन ऑफ ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड टारगेट। ये जो भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है सब टू द पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है। एक्सप्लेनेशन ऑफ मोनोपल्स कॉनिकल स्कैन एंड मोनोपल्स रडार, ये कुल मिला के ओवरऑल आप ये कॉनिकल स्कैन, मोनोपल्स और उसके साथ साथ लोब स्विचिंग, ये तीन मेथड ट्रैकिंग के हैं, जिनके ब्लॉक डायग्राम, एजुमेथिन क्या है, एलिवेशन क्या है, रेंज क्या है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन रख लीजिए, तो आपको सफिशियंटली ये यूनिट फोर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और ये यहाँ पर देखिए कंपेयर द ट्रैकिंग टेक्निक्स है ना, इन तीनों को पढ़ेंगे तो आप कंपैरिजन भी कर पाएंगे है ना, एक्यूरेसी या लिमिटेशन भी बता पाएंगे। तो ये तीन बेसिक इसमें मेथड्स हैं, जिनके ब्लॉक डायग्राम और उसके साथ साथ इनकी वर्किंग कैसे काम कर रहा है ना, कैसे ट्रैक करता है रडार, किस रडार ट्रैकिंग का मतलब ये है कि डायरेक्शन या एजीमथल क्या है, एलिवेशन क्या है, तो कैसे किस तरीके से ट्रैक किया जा सकता है। तो उसमें हम लोगों ने अभी देखा कि भाई लोग में डिफरेंस दे करके भी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, अगर लोब डिफरेंस नहीं जनरेट कर पा रहे, लोब डिफरेंस में प्रॉब्लम क्या आई कर सपोज करिए एक ही एंटीना यूज हो रहा है, तो अगर उसको ही शिफ्ट करेंगे इस साइड से उस साइड, तो अगर उसमें एक्यूरेसी नहीं होगी, ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा तो बहुत लेट में पता चल पाएगा, कि देर में पता चला कि आपका फाइटर प्लेन जो भी नुकसान करना था करके चला गया, तो हमें तुरंत या फास्ट पता करना है। तो फास्ट पता करने के लिए हम एक ही एंटीना को कितनी देर तक कैलिब्रेट करेंगे इस पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमको नंबर ऑफ एंटीना बढ़ा लेंगे। तो नंबर ऑफ एंटीना बढ़ा लेंगे तो फिर उसमें क्लोज लूप सिस्टम काम करेगा, और काफ़ी फास्ट, अगर आपका क्लोज लूप सिस्टम फास्ट है तो आप काफ़ी फास्ट जो है उसके डायरेक्शन, उसके साथ साथ उसकी वेलोसिटी या उसका रेंज आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोग मोनोपल्स ट्रैकिंग रडार का यूज़ करते हैं इसके कंपैरिजन में, कॉनिकल स्कैन या लोब स्विचिंग, या जनरल अगर हमें सर्विलांस के लिए यूज करना है या किसी सिविल वर्क के लिए यूज करना है तो उसके लिए आपका ये कॉनिकल स्कैन या फिर
लोब स्विचिंग का यूज कर सकते हैं हम लोग, उसको देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपका यूनिट 4 का सिलेबस है, उसको डिटेल डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। तो अगली क्लास में हम लोग यूनिट 5 डिस्कस करते हैं, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप बाय फोन या कमेंट के थ्रू रिप्लाई कर सकते हैं, रिप्लाई करें उसका आंसर देंगे आपको कोई एक और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।